तो सर अभी तो हमें चाहिए होती थी एक अच्छी क्वालिटी में वैक्यूम इंसुलेटेड वाटर बोतल जिसमें कि कोई भी लिक्विड 24 घंटे ठंडा या फिर गर्म रहे। तो हमें दो ही तीन कंपनियां ध्यान में आती थी, जैसे कि मिल्टन हो गई या फिर सेलो। ऑस्ट्रेस में मिल्टन और सेलो की वाटर बॉटल्स काफ़ी कमाल की होती थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत सही होती थी। हमने कई सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। इन बोतलों में सब कुछ तो बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन सिर्फ एक कमी रह जाती थी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई हैमिल्टन और नीचे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। दोस्तों अब हमें नहीं पता कि ये बोतल क्या बाहर से इम्पोर्ट होके आई है या फिर इसका कोई पार्ट बाहर से इम्पोर्ट होके आया है। हालांकि क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या इसकी जगह कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है? तो जी हाँ। तो हे दोस्तों, आप लोग वी फोर वीडियोस और आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं पैक्सपो की तरफ से आने वाले इस वैक्यूम इंसुलेटेड बोतल को, जो कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेड ऑन इंडियन सॉइल विद इंडियन कॉइल। तो इस बोतल का नाम है इलेक्ट्रो 1000 ml थर्मो बोतल और इतने सारे कलर्स में अवेलेबल है, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है इसमें। और इसकी सबसे बढ़िया बात, मेड ऑन इंडियन सॉइल विद इंडियन कॉइल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स दिखाए गए हैं। ओके, MRP है 999 rupees, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय प्लास्टिको इंटरनेशनल, बाकी डिटेल्स। और यहाँ पे इस बोतल की खास बात गिनाई गई है और जिस पर्पस के लिए हम लोग वैक्यूम बोतल लेते हैं, 12 hours हॉट, 18 hours कोल्ड, नो स्वेटिंग ऑन द सर्फेस। बाकी का इसके डिज़ाइन और इसकी क्वालिटी के बारे में इस बोतल में दिया गया है। तो देखते हैं ये हमारी बोतल लुक वाइज कैसी है। तो ये देखो, और यहाँ पे पैक्सपो की ब्रांडिंग दी गई है मेड इन इंडिया, नीचे की साइड कुछ भी नहीं है और इसका ऊपर का कैप काफ़ी सिंपल सा है। तो अब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं लुक वाइज अपनी मिल्टन की बोतल से, देखते हैं कितना अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे मिल्टन की बोतल में कैप में थोड़ा सा अंतर है, नीचे की साइड मिल्टन की बोतल में कुछ लाइनिंग दी गई है और बॉटम की साइड में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस डिजाइन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम लोगों ने दोनों बोतल्स में लुक वाइज जो डिफरेंस देख लिया, लेकिन सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाइज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों बोतल्स में उबलता हुआ पानी भर देंगे और उबलता हुआ पानी भरने के बाद दोनों बोतल्स को हम लोग फ्रीजर में जाके रख देंगे और देखेंगे 24 घंटे बाद उबलते हुए पानी का तापमान कितना रहता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी टेस्टिंग करी है वैक्यूम बोतल्स की। तो चलिए सबसे पहले फटाक से दोनों बोतल्स में उबलता हुआ पानी भरते हैं। तो भाई दोनों बोतल्स में है उबलता हुआ पानी। तो अभी मैं पहले रीडिंग ले जाऊँ थर्मामीटर के जरिए, पहले रीडिंग लूंगा अभी, दूसरी रीडिंग लूंगा 12 घंटे बाद और तीसरी रीडिंग लूंगा मैं 24 घंटे बाद और देखूंगा कि भाई कितना डिफरेंस आता है 24 घंटे बाद इस टाइम के टेम्परेचर से। तो अभी का टेम्परेचर जो पानी का है वो है मिल्टन की बोतल में लगभग 89 degrees Celsius, पैक्सपो की बोतल में लगभग 90 degrees Celsius। तो 1 degree Celsius का डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि इस बोतल में मैंने पानी पहले भरा था और उसमें बाद में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। और बात करें टाइमिंग की, तो मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ, 15 January 5:16। तो 12 घंटे की रीडिंग यानी कि सुबह के 5 बजे इन्हें बंद करते हैं और ये जाएंगे फ्रीजर के अंदर एक्सट्रीम ठंडक में। ठंडी अभी भी है लेकिन हम लोग एक्सट्रीम टेस्टिंग करते हैं हमेशा। दोस्तों वो दोनों बोतल तो कहीं फ्रीज है, इसके अलावा पैक्सपो जो है ना और भी बहुत सारी बोतल बनाता है, उनमें से एक और बोतल यहाँ पे है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक मेड इन इंडिया स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल है जिसकी MRP करीब 399 rupees है। वैसे इससे कमी दाम में अमेजोन वगैरह में मिल जाएगी। इसे सिंपली आप लोग केवल पानी भरने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलती है एक बोतल और साथ में एक एक्स्ट्रा कैप। तो आप लोग चाहें तो ज़रूरत के अनुसार इस बोतल में ये फ्लिप वाला कैप लगाएं, इससे पानी पीना काफ़ी आसान रहेगा। और ज़रूरत के अनुसार आप लोग चाहें तो ये वाला कैप भी इस बोतल में यूज़ कर सकते हैं, है ना कितनी मस्त बात। और दोस्तों लुक वाइज भी बोतल काफ़ी सही है, आप लोग देख सकते हैं। आपको ये बोतल देखने में कैसे लग रही कमेंट में बताना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली बोतल भी देख ली, अब मिलते हैं 12 घंटे बाद। दोस्तों ये है फ्रीजर से निकाल के एकदम ठंडी ठंडी बोतल।
लेकिन एक मिस्टेक हो गई, 12 घंटे की बजाय 17 घंटे हो गए, थोड़ा सा सो गया। तो सबसे पहले हम लोग मेल टैंक की बोतल का पानी देखेंगे कितना गर्म है। ओके, हल्की भाप आपको यूं ही दिख रही होगी। तो ये गया थर्मामीटर इसके अंदर। दोस्तों ये देखो, 17 घंटे फ्रीजर में रहने के बाद जो मीटर में पानी है उसका तापमान है 57.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि 89 डिग्री सेल्सियस था 17 घंटे पहले। तो ये है इसकी रीडिंग। तो भाई अब पैक्सपो का नंबर है। ओके, हाँ इससे भी भाप निकल रही है। दोस्तों ये देखो, पैक्सपो में 90 डिग्री सेल्सियस था, इस टाइम पे 55 डिग्री सेल्सियस है। अगर मीटर से कंपेयर करें तो 2 डिग्री कम है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 55 तो है ही, मिल्टन में 57 था। तो दोस्तों अभी का टाइमिंग ये था, इसे हम लोग वापस से फ्रीजर में रख देंगे 24 घंटे वाली रीडिंग के लिए। दोस्तों अब 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो 24 घंटे बाद जो मिल्टन में पानी है इसका तापमान है 47.3 डिग्री सेल्सियस, 47.3 डिग्री सेल्सियस। और पैक्सपो में देखते हैं कितना पानी का तापमान है। ओके, 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकल के आया, पैक्सपो भी मिल्टन के काफ़ी करीब ही आके रुकी है। दोस्तों जो भी डिफरेंस था आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और भाई सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस था, क्या पता पैक्सपो की दूसरी बोतल में वो भी डिफरेंस ना, क्योंकि हो सकता है 1-2 डिग्री का अंतर बोतल टू बोतल वैरी कर जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक कंपैरिजन देखा, एक मेड इन इंडिया बोतल और एक ब्रांडेड मिल्टन की बोतल जो कि पता नहीं कहाँ की बनी है। तो अगर आपको एक कंपैरिजन पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बटन दबा देना। और हाँ, मैं इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।